सर, अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो आप लोगों की ये सब कहने की हिम्मत नहीं होती। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो 500 साल तक राम मंदिर का इंतजार नहीं करता। अगर हिंदू आतंकी होता ना तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो आए दिन पलायन नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवादी होता ना तो कमलेश तिवारी नहीं होता। अगर हिंदू आतंकवाद होता ना तो काशी और मथुरा आजाद होता। मत बोलिए सब, मिस्टर अमन चोपड़ा हिंदू सहिष्णु में उधार है, उसी की कीमत भुगत रहा है। आप लोग आकर कुछ भी बोल जाते हैं, गलत है ये। कोई नहीं, कोई नहीं, मुझे ज्ञान मत बांटिए। जी जी, मैं बांटूंगा सर। अगर आप हिंदू आतंकवाद कहेंगे तो फिर मैं ज्ञान बांटूंगा। हिंदू आतंकवाद कहेंगे तो मैं ज्ञान बांटूंगा, हिंदू आतंकवाद नहीं सुनूंगा मैं। ये सलमान खुर्शीद ने लिख ली पूरी किताब, इसमें मैं कह रही हूँ चलो हिंदुत्व का बखान किया। एक लाइन उन्होंने लिख दी कि हिंदुत्व जो है वो बोको हराम और आईसिस का पॉलिटिकल वर्जन, या पॉलिटिकल वर्जन जो है हिंदुत्व का वो बोको हराम और आईसिस की जैसा है। मैं कह रही हूं आप एक ऐसी लाइन अपनी किसी किताब में इस्लाम को लेकर लिख पाएंगे? हाँ, अलकायदा है, आईसिस है, बोको हराम है। हाँ, बटला एनकाउंटर में तो सोनिया गांधी के आंखों से टपकते आंसू सलमान खुर्शीद को दिखाई दे रहे थे। यही सलमान खुर्शीद, जब आतंकी का एनकाउंटर हुआ था तो यही कानून मंत्री सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी की आंखों में आंसू टपकते हुए देख रहे थे। रूबिका जी, इतनी बड़ी भाजपा की प्रवक्ता मत बनिए। मैं भाजपा की नहीं, आज मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। मैं कह रही हूँ मैं हिंदुत्व की प्रवक्ता हूँ। आप आज बात कीजिए मुझसे, आज बात कीजिए मुझसे, मुझे बताइए आप इस किताब की तरह कोई ऐसी किताब निकाल सकते हैं जिसमें बोको हराम, जिसमें कोई भी सिख नहीं है, कोई भी और धर्म का आदमी नहीं है, गलत है। कौन है, किस धर्म को मानने वाले बोको हराम में? अबे जी प्लीज पहले मुझे बताइए, आईसिस में जितने भी लड़ाके हैं वो किस धर्म को मानने वाले? अबे जी बताइए ना मुझे, बोको हराम, आईसिस, अलकायदा, ये तालिबान, इन सब में जो लड़ाके हैं वो किस धर्म को मानने वाले हैं?